हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सेम का अचार। तो देखिए हमारा कितना बढ़िया सेम का अचार बन करके तैयार हुआ है। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा अचार बना है। तो 2 दिन मैंने इसको रख दिया था, तो 2 दिन में देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है हमारे अचार पे। तो देखिए फ्रेंड, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो अब हम इसको इस डिब्बे में भर करके रख देंगे स्टोर करके, तो ये हमारा ख़राब भी नहीं होगा। तो इसी में हम अपना ये अचार डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने अचार को डिब्बे में भर के रख दिया है। अब इसको आप कितने भी दिन स्टोर करके रख लें, ये खराब नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड, अपना ये अचार बनाना हम शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं आप, थोड़ी सी सेम मैंने यहाँ पर ये काट करके रख ली है। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको कैसे काटना है। तो ऐसे आपको इसमें जो रेशे होते हैं आपको वो निकाल देना है। ऐसे इसमें जो रेशे होते हैं वो सारे आपको निकाल देने हैं। देखिए ऐसे आपको अच्छे से साफ कर देनी है। उसके बाद अब हम इसके कर देंगे पीस। इसको भी आपको वैसे ही काटना है, ऐसे लेना है। इसमें जो रेशे होते हैं ये सारे इसके निकाल देने हैं दोनों साइड से। उसके बाद हम इसके भी पीस करेंगे। तो ऐसे ही हम अपनी सारी काट लेंगे। तो ध्यान रखना है आपको, ये अच्छे से निकाल देने हैं, नहीं तो ये खाते समय फिर अच्छे नहीं लगेंगे, इसीलिए आपको ये निकाल करके ही काटना है। तो देखिए मैं ऐसे ही सारी काट करके तैयार करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने अच्छे से सारी सेम को काट लिया है, सारी काट करके तैयार कर ली है। तो अब हम इसको डालेंगे उबलते हुए पानी में। तो देखिए फ्रेंड, मैंने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो देख सकते हैं पानी हमारा अच्छे से उबल रहा है। तो अब हम इसी में डाल देंगे अपनी सेम जो हमने काट करके रखी है। थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे नमक, थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे नमक। मिला देंगे इसको नमक को। अब हम इसको ढककर ढक देंगे, और ढकने के बाद 2 मिनट ही हम इसको गैस पर 2 मिनट हम इसको तेज गैस पे पकने देंगे। 2 मिनट से ज्यादा आपको नहीं पकने देना है। 2 मिनट के लिए आप तेज गैस को जलने दें। 2 मिनट के बाद हम गैस बंद कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड, 2 मिनट हो गए हैं, तो अच्छे से मैंने इसमें उबाल भी आ गया है मटर में। अब हम कर देंगे गैस को बंद, क्योंकि पानी तो हमारा पहले ही से गर्म था। तो 2 मिनट से ज़्यादा आप गैस को ना जलने दें। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के रखा रहने देंगे, जिससे हमारी जो सेम है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो इसको ऐसे ही ढका रखा रहने देंगे हम। तो देखिए फ्रेंड, 10 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसको खोलेंगे। देखिए आप देख सकते हैं एकदम से सॉफ्ट हो गई है हमारी सेम। तो देखिए एकदम से कलर चेंज हो गया है और सॉफ्ट भी हो गई है हमारी ये सेम। तो अब हम इनका पानी निकाल लेंगे। ज़्यादा आपको नहीं उबालना है, इसीलिए हमने इसको गर्म पानी में ढक के रखा था। अब हम इसका पानी निकालेंगे। तो ऐसे आप कोई जाली ले लें, नीचे कोई बर्तन रख लें, और इस पे रख करके अब हम निकाल लेंगे। धीमी धीमी से आप इसमें निकाल दें। पानी को अच्छे से निकल जाने दें। तो ये देखिए फ्रेंड, अच्छे से पानी हमारा सारा निकल गया है। तो देख सकते हैं पानी पूरा बर्तन में निकल गया है। तो अब हम इसको रखेंगे सूखने के लिए। तो आप ऐसे कोई बर्तन ले लें, उसी में अच्छे से ये कपड़ा बिछा लें, इसी में डाल करके हम अच्छे से इसको फैला देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने अच्छे से डाल लिया है। अब हम इसको 2 से 3 घंटे अच्छे से धूप में सुखाएंगे। अगर आपके यहाँ धूप नहीं है तो आप इसको पंखे में भी रख करके सुखा सकते हैं। 2-3 घंटे के लिए अब मैं इसको धूप में अच्छे से सुखा लूँगी, जिसमें इसमें थोड़ा सा भी पानी ना रहे। अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी रहेगा तो हमारा अचार खराब हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इसको धूप में सुखा लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, सेम हमारी अच्छे से एकदम सूख गई है। तो आप देख सकते हैं अच्छे से सारी सेम सूख गई है हमारी। तो इसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे, तो हमने अच्छे से इसको सुखा लिया है। तो अचार में डालने के लिए हम लेंगे तेल। तो इसको मैंने गरम करके ठंडा करके रखा है तेल को। थोड़ा सा मैंने लिया है छिड़का, तो 1 बड़े चम्मच ही मैंने छिड़का लिया है यहाँ पर। और ये नमक लिया है, लाल मिर्च पाउडर,
हल्दी पाउडर। तो ये देखिए फ्रेंड अचार का मसाला, तो इसको मैंने बना करके रख लिया है। अचार का मसाला कैसे बनाएं इसके लिए मैंने जो वीडियो पहले डाला है आप उसको देख सकते हैं, तो उस वीडियो की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दी है, तो वहां पर जाकर के आप ये मसाला बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड अचार बनाना हम शुरू करते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, एक चम्मच भर के मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ये अचार का मसाला, तो दो चम्मच ही मैं इसमें भर के डालूंगी अचार का मसाला। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे स्वाद अनुसार, तो एक चम्मच मैं यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे ये छिरका जो मैंने लिया है, एक ही चम्मच ये छिरका है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। अब हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे नमक, तो नमक अचार में थोड़ा सा ज्यादा डाला जाता है, तो आप थोड़ा सा ज्यादा नमक इसमें डालें, तो दो चम्मच ही मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ये तेल जो हमने गरम करके रखा है, तो कच्चा तेल आप ना डालें, तेल को आप गरम करके ही इसमें डालें। अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा तेल हम इसमें और डालेंगे। अच्छे से तेल डाल के आपको ये मिला लेना है। तो देखिए फ्रेंड सेम का अचार हमारा बिल्कुल तैयार है। दो तीन दिन बाद जब अचार हमारा हल्का सा गल जाएगा तब आप इसमें सरसों का तेल गरम करके और इसमें डाल दें, तो ये अचार हमारा खराब नहीं होगा। तो देखिए आप देख सकते हैं अचार हमारा एकदम से तैयार है। अब आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं और ये जल्दी खराब भी नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड कितना बढ़िया अचार हमारा बन गया है। तो अब हम इसको जार में भर करके रख देंगे, या प्लास्टिक के डिब्बे में भर के रखें या इसको कांच के डिब्बे में भर के रखें, तो हमारा अचार खराब नहीं होगा। और ध्यान रखें कि इसमें पानी बिल्कुल भी ना जाए। तो देखिए फ्रेंड अचार हमारा एकदम से तैयार है। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट करके बताना फ्रेंड, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे मैं न्यू रेसिपी डालूंगी तो आप सब उसको भी देख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड न्यू रेसिपी के साथ आप लोगों से फिर मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड।